जय श्री नारायण गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं कोलकाता से आई हूँ गुरु जी। मेरे पति देव नॉनवेज भी खाते हैं और नशा भी करते हैं। कहाँ हैं ये? बैठे हुए हैं। खड़े करो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। भगवान कैसे हैं? अच्छे हैं, राधे राधे। तो कितनी जान खा गए आज तक? कभी कभी खाते हैं। क्या? चिकन वगैरह, मछली वगैरह। रोज नहीं खाते? रोज नहीं, संडे को सर। तो संडे का कोई विशेष होता है? नहीं, सिर्फ स्पेशल कभी। एक मरी हुई मछली को आप जीवित कर सकते हैं? नहीं नहीं। तो जब मरी को आप जीवित नहीं कर सकते, जो जिंदा को मारते काहे हैं? जब आप मरी को प्राण दे नहीं सकते, तो क्या किसी के प्राण लेने का अधिकार आपको है? नहीं नहीं, नहीं। आप इतने लोग यहाँ बैठे हैं, यदि आप इनमें से किसी को मार देते हैं, किसी के प्राण आप ले लेते हैं, तो आप पर केस चलेगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। यदि इंसानों के प्राण आप ले लें, तो आप पर केस चल जाएगा, जेल जाएंगे। उसी तरह जैसे यहाँ की सरकार, आप किसी का मर्डर करो तो आपको सजा देती है, ऐसे जब आप किसी जीव की हत्या करते हैं तो भगवान की सरकार आपको सजा देगी कि आपने क्यों बेवजह किसी को मारा। मारने का अधिकार थोड़ी है आपको, सही है? अपने स्वाद के लिए, अपने आपको अच्छा लगता है तो कुछ भी खाओगे। शेर को तो आप भी अच्छे लगते हैं, आप अपने आप को जाके समर्पित कर सकते हैं शेर को कि खा, आजा भाई खा ले। फिर अच्छा क्या लगता है ये मायने नहीं रखता बेटा, सही क्या है ये मायने रखता। क्या जो आप कार्य कर रहे हैं, क्या वो सही है? उत्तर दो। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। तो क्यों, शराब पीते हो? कभी कभी, साल में एक दो बार। साल में एक दो बार जी। बच्चा है आपका? जी, दो बेटी। बेटी, बेटियां हैं दो? हाँ, दो बेटी। तो बेटियां हैं तो इनको भी शराब वराब पिलाते हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्यों? हेलो बच्चे अभी तो। फिर शराब पिलाना सही है? यदि शराब पीने का एक फायदा बता दो, फिर हम भी शुरू कर दें। एक फायदा ओनली, शराब पीने का एक फायदा आप बताइए, फिर हम भी शुरू करेंगे यदि आपको फायदा बता पाए आप तो। एक फायदा बता दो शराब पीने का, जल्दी से। फायदा तो नहीं है। एक तो होगा, तब तो आप पी रहे हैं। वो कभी कल साल में एक बार दो बार हो जाते हैं। क्यों? दूध पियो, रस पियो, शराब क्यों? शराब सारे पापों की जड़ है। जितने भी क्राइम होते हैं, स्टडी कर लेना, सारे क्राइम शराब के नशे में होते हैं। आज जितने लोग जेल के अंदर हैं, जिन्होंने जितने भी क्राइम किए हैं, शराब के नशे में किए हैं जी। नशा नहीं होता तो क्राइम नहीं होता। शराब आपके मस्तिष्क को शून्य करती है, सोचने समझने की क्षमता नष्ट होती है। शराब पीना सही है या गलत है आप बताओ? गलत है। गलत। क्यों पीते हो फिर? जब गलत पता है फिर क्यों? तो कभी कल दोस्तों के साथ हो जाते हैं। साथ दोस्त नहीं है वो, जो आपको शराब पिला रहे हैं। चलो कल को आपकी बेटियों को कोई ले जाए भरमा कर और इनको पिलाने लग जाए शराब, और बेटी आपसे कहे वो तो पिता पापा पिताजी वो हमारे दोस्त हैं, तो आप क्या समझाओगे अपने बच्चों को? बेटा वो दोस्त नहीं है, जो आपको शराब पिला रहे हैं वो दुश्मन है आपके। यदि आपके हितैषी होते, दोस्त होते, तो वो ये कहते कि यार हम शराब पी रहे हैं तुम मत पीना, क्योंकि ये बुरी है। दोस्ती तो ये है कि हम, हमारा नुकसान तो हो पर मेरे दोस्त का नुकसान ना हो, और ये तो तुम्हारा नाश चाहते हैं कि हम तो बिगड़े हैं तुम भी बिगड़ जाओ जी। उत्तर देना मेरे प्रश्न का, कल को आपकी बेटी को कोई शराब पिलाएगा उसकी फ्रेंड, तो आप क्या सिखाओगे अपनी बेटी को? कैसे समझाओगे? एक बाप होने के नाते जरा बेटी को समझाओ। इमेजिन करो कि आपकी बेटी की सहेलियां उसे शराब पिला रही हैं, तो आप क्या समझाओगे? समझाओ। बारण करेंगे नहीं पीने। बारण करेंगे क्या? मना करेंगे नहीं पीना। कैसे मना करोगे?
कि इसकी लत खराब है, मत पिया करो। हाँ, फिर वो भी कहेंगी वो हम नहीं पीते पापा, वो फ्रेंड लोग हमारी पिला देती हैं। फिर क्या समझाओगे? वही बारण करेंगे कि मत पियो ये सब चीज़, गलत लत है, लत लग। जो आपको शराब पिला रहे हैं वो फ्रेंड ही नहीं है, वो दोस्त नहीं है, वो कौन है आपके? दुश्मन। यही तो कमी हो गई आप युवाओं में कि आपने ये तक पहचानना भुला दिया कि आपका दोस्त कौन है और आपका शकुनी। दुर्योधन ने शकुनी को अपना दोस्त मान लिया, सगा मामा था, अपना हितैषी मान लिया। दुर्योधन ने शकुनी को हितैषी मान लिया, जबकि वो शकुनी हितैषी नहीं था। हाँ या ना? हाँ। कर्ण ने दुर्योधन को अपना मित्र मान लिया, हितैषी मान लिया, जबकि दुर्योधन कर्ण का हितैषी नहीं था। अंग देश का राजा बना के जरा लॉलीपॉप दे के संपत्ति का, और सारी जिंदगी उस दुर्योधन ने कर्ण से केवल गलत काम कराए हैं, कर्ण की शक्ति का दुरुपयोग कराया है। तो मित्रता का मतलब ये थोड़ी है कि आप पर जरा सा कोई उपकार कर दे और सारी जिंदगी आपको गलत राह पर चलने के लिए मजबूर करे, ये दोस्ती नहीं है। भगवान कृष्ण ने समझाया था दुर्योधन कर्ण को कि ये दोस्त नहीं है, छोड़ दे चक्कर ना पड़े इसके। हम भी समझा रहे हैं छोड़ दो अपने दोस्तों का चक्कर, जो शराब पिला रहे हैं, मांस खिला रहे हैं, सही राह पर चलो, वरना आप खुद दो दो बच्चों के बाप हैं, आपको क्या समझाएं हम। राधे गुरु जी, सब समय गुटखा खाते हैं और मना करते हो तो मेरे से झगड़ा करने लगते हैं। कौन सा खाते हो, दाने दाने में केसर का दम? चलो बताओ कौन प्रचार करता है इस गुटके का? बॉलीवुड एक्टर लोग करते हैं। अच्छा, वो खाते हैं? पता नहीं, खाते हैं वो? अच्छा, वो प्रचार करते होंगे तो अपने बच्चों को तो खिलाते होंगे ना? पता नहीं खिलाते हैं कि नहीं। अच्छा, आप जैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं वो, और आप बन रहे हैं दाने दाने में केसर का दम। अरे जब दाने दाने में केसर का दम है तो डायरेक्ट केसर की डिब्बी लेके केसर खाओ ना, दूध में पका के, पानी में घोल के केसर खाओ। वो क्यों खाना है? मतलब बेवकूफ धन्य है आप लोग, गुटखा भी खा रहे हैं, मुर्गा भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं। तुम्हारा पेट है कि मरघट है, हैं? गुटका खाओगे? गुरु जी हमारे दोनों बेटियों को आशीर्वाद दे दीजिए। गुटका खाओगे पहले बात कराओ। नहीं नहीं नहीं। क्यों नहीं खाओगे? अब नहीं खाएंगे। और शराब पियोगे? ना ना बिल्कुल नहीं। और मांस खाओगे? कोशिश करो छोड़ दो। मतलब अब ये एक आध बार और खाओगे? नहीं नहीं, अब जल्दी से जल्दी कोशिश छोड़ दे दो। हम तो आपकी भलाई चाह रहे हैं, समाज की भलाई हम लोग चाहते हैं, भारत का संत समाज की भलाई चाहता है। लेकिन आज के लोग संतों को क्या बोलते हैं, ये बाबा लोग तो ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, है ना। और जो बॉलीवुड खुलेआम कह रहा है दाने दाने में केसर का दम, आप उनकी बात मान के गुटखा खा रहे हैं और उन्हें सुपर डुपर स्टार बनाए हैं, और साधु संतों को लोग जनता गाली दे रही है कि तो बाबा पाखंडी है, ढोंगी है। जो आपकी भलाई कर रहे हैं, जो आपकी सेवा कर रहे हैं, जो आपको सही राह दिखा रहे हैं, वो पाखंडी हैं। और जो खुलेआम प्रचार कर रहे हैं गलत चीज़ों का, शराब का प्रचार बॉलीवुड करता है, गुटके का प्रचार बॉलीवुड करता है, अंडे का प्रचार बॉलीवुड करता है, मांस का, शराब का प्रचार बॉलीवुड करता है, क्या कौन सा गलत काम है? जुआ का प्रचार बॉलीवुड करता है। ऐसा कौन सा गलत काम नहीं है जिसका प्रचार बॉलीवुड ना करता हो, और ऐसा कौन सा अच्छा काम नहीं है जिसका प्रचार साधु संत ना करते हों? साधु संत अच्छे का प्रचार, बॉलीवुड बुरे का प्रचार। पर संतों को समाज पाखंडी कहती है और बॉलीवुड को सुपर डुपर स्टार कहती है, ये समाज का न्याय है। अब नहीं करेंगे गुरु जी, छोड़ देंगे। चलो भगवान आपको सुखी रखे। बच्चे लोग को तो आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद है, कन्याएं हैं। राधे राधे, राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे।